सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुडाणी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा, ये सारी सृष्टि के रचनहार, ये कुल के मालिक, ये सुख सागर, अपने बच्चों को जैसे भी भले बुरे हैं संभालो दाता नीच के लिए, आपको सब पता, सब जानी जान है। या जो भी हो रहा है आपकी कृपा अपना दाता नहीं हो सकता, आप कितनी बात बढ़ावा, निकट रहो, हमारी भूल बख्शो, अपना बनाओ दाता। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको अपने घर का पता चला, इस काल के षड्यंत्र का पता चला, इसको आप हल्के बना लो। देखो, एक तो कबीर साहब को देखो, उन्हें क्या जरूरत थी अपने सचखंड सतलोक तो सुख सागर न छोड़ के यहाँ आके पड़े एक दुल्हों की गरीबों की कॉलोनी में, दुनिया से तलाके हुए यानी शूद्र जाति में, सब जनता हेट करती थी शूद्र जाति वाले उनसे, क्योंकि परमात्मा उनका साथी है जिसका कोई नहीं। तो आज हम इस क्षति थी मां चुके, हमें ज्ञान हो गया कि आज हमारा कोई नहीं। अब हमें ज्ञान हुआ तो हम कितनी शूद्र जाति में हैं, कितने राजे महाराजे बड़े बैठे हैं, कल न फूक निकल जा, परसों इतला पिट्टा खड़ा खड़ा, कोई छुटाने वाला नहीं। और वह छुटाने वाला ये मालिक सच्चा कबीर भगवान होगा। बच्चों, आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, जैसे कागज हज का सूबत और न ठोर। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी जीव का कोई ठिकाना इस मालिक के अतिरिक्त नहीं है। बच्चों, अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाऊंगा, कैसे कैसे परमात्मा भटक रहे हमारे लिए। इब्राहिम सुल्तान को मिले, हजरत मोहम्मद को भी मिले, इस पर हमने कदर नहीं करी, वो पीछे पड़ रहे हैं। कभी ना किसी किसी जन्म हमारे को एक बार शुरुआत कर जाते हैं, ये अपना बीज बो जाते हैं किसी ना किसी कारण से, फिर उस पर उनकी मोहर लग जाती है। धीरे धीरे मालिक उनको अपने शरण में लेकर के, बच्चों मुक्ति तो ई होगी जो अब आप आ गए इस समय। आप पहले ऐसे प्रोसेस से गुजर चुके हो, ये सारे आपके साथ स्थितियां बीत चुकी है, आज से नहीं, पता नहीं कितने हजारों युगों से आपके साथ परमात्मा ऐसे लगे हुए थे, सतयुग में भी रहे, त्रेता में भी आपके साथ रहे और द्वापर में भी रहे। उदाहरण देता हूं, जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में थे, जब वहां से पीछे लगे थे, लेकिन सुख गणा खुद राजा मालिक की भी बात मान ली, वह भी शुरू कर दी कुछ दिन, फिर छोड़ दी, फिर वो ऋषि महर्षियों को बताए आधार से यह गवन करते रहे, फिर स्वर्ग गए, वहां से फिर वापस खत्म करके राजा जनक बने, वहां भी राजा बन गए, पिछले पुन गढ़े थे, फिर धर्मकर्म यह बहुत करते थे राजा लोग, वहां से राजा जनक फिर स्वर्ग चला गया, वहां अपने पुन खराब करके खाक खंडा के वापस आ गया। बाबा नानक बड़े, फिर पहले तो नौकर थे इनके, हजारों की संख्या में सैनिक होते थे, और फिर निर्धन हो गए, भौतिक धन से निर्धन हुए, वो पुन ऊपर खत्म कराए जो भौतिक धन के थे, खुद नौकर लगे एक सुल्तानपुर लोधी नगर में, एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में गोदाम में। फिर मालिक आए, जब वह बात समझ में आई उस महापुरुष के,
उस पुण्यात्मा के साथ कहां से लगे थे। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, पर गेल गेल आ गया जब लग जाती आकाश। और बच्चों, आपके साथ भी ऐसे लग रहे, 600 साल पहले आप थे 64 लाख में से, उस समय आप नहीं पहचान सके, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये बीज बो गए दाता, जो अब तक आपके काम करता रहा, ईश्वर की इच्छा बड़ी रही परमात्मा की। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता क्यों अपने हीरे मोती लाल। गरीब सुल्तानी का सर लग गया, बलख बुखारा दिया त्याग, जिंद के चोले मेले दिन सत बराग। गरीब मोहम्मद का मुर्शिद सही, केवल कलमा दीने, मुसलमान मन नहीं मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 सही, रावते कोटि असंख, जाहिर दे नहीं नाम है राव नहीं बेरंक। गरीब सब रावन पति राव है, जाकर रोम रोम धुन होई, दम खाली नहीं सांस बिना छत्रपति है सोई। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सोहम सुकृत सीर, बिन दम देही दयाल जी जाका नाम कबीर। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादो को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी वहे कबीर हुआ। गरीब यह जीवन सत सफल है, जब लग राम रटन होते, देखोरी को जान दे बरम पड़े हैं पंत। गरीब आकार बाहर नहीं ठहरे, 5 तत् मिल जाए, 4 युग जे तन रहे तो भी दे गिरे सत भाए। गरीब चंद सूरज की आयु लग, जे जीवका रहे शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। अचला के उनकी वाणी सुनाता हूं। गरीब पंजा दस्त कबीरे का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चमते नहीं उधर जाते है वंश। गरीब दर्द बंद दरवेशे है, सतगुर पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छोटे है टूटे यम जमीर। गरीब सतगुर पुरुष कबीर है, 3 लोक तत्सार, कोटि 49 पृथ्वी 14 भवन आधार। गरीब सतगुर पुरुष कबीर है, 3 लोक तत्सार, 2-4 की क्या चले उदर हंस अपार। गरीब सतगुर पुरुष कबीर है, 4 युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। गरीब झूठे गुरु के आसरे कदे न उधर जीव, साचा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर का, विषम पंथ बैराट, शिव सन का दिक धाव ही मुनिजन जो है बाट। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की, कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पगधरत है गगन मंडल में सैल। गरीब पग से की दुनिया चले, पंछी परों उड़ान,
ऊंचा महल कबीरे का, जाने ऐसे जमी आसमान। गरीब शंख स्वर्ग पर सहले है, शंख स्वर्ग पर धाम है, ऐसा आचरण देखिया बिना नीम का गाम। गरीब बिना नीम के नगर में बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा दिक ताकत है कौन धरे जा धीरे। गरीब लख लख योजन उड़त है, सुर नर मुनि जन सुनते, ऊंचा धाम कबीरे का कोई न पावे अंत। गरीब जैसे अलल आकाश को रापती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंसे को ले चालत है ताहे। गरीब निज नाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की छूटे सभी उपाद। गरीब धर्म राय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंसे को पकड़िए मत कजाक। गरीब बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुमरे हंस न चंप हो 2,00,000 करोड़। गरीब मदहारी जारी नारा बांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको दो अकना ही। गरीब धर्म राय विनती करे सुनियो पुरुष कबीरे, जिनको निश्चय पकड़ हो जड़ हो तो जंजीरे। गरीब चुंबक रूपी शब्द है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूँ दर्श परस हो पीवे। गरीब चुंबक हमारा रूप है लोहे रूपी प्राण, धर्म राय तेरी बंद से हम ले उड़े अचान। अब धर्म राय कहता है, गरीब जागट नौबत नाम की, तुम्हारा नाम जिसके अंदर चल रहा है, जाको पकड़े को ने, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिनकी जो नहीं। गरीब कर जोड़े बंदगी करे 14 मुनि दीवाने, सो तो मरकब की जिए बंदगी बिना ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना भक्ति भी करते हैं वो मरकब गधे बनेंगे। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किम कर चंपा नहीं उधर जाता वंश। बच्चों कबीर परमात्मा के साथ संत गरीबदास जी बालक गए थे ऊपर, उनके सामने जो घटना घटी वो सारा वो चित्रण करते हैं। गरीब धर्म राय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंसे को तकड़िए मत कजाक। गरीब बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुमरे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2,00,000 करो। अब बच्चों आपको इतना ज्ञान दे दिया, ये वाणी आपका सब तक समझ में आ रही होंगी, फिर भी कुछ नए बच्चे सुन रहे होंगे क्योंकि एक सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें पहली से लेकर PhD तक का ज्ञान सांकेतिक या सीधा बताया जाता है। बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, और धर्म राय ये पूरे ब्रह्मांड का एक न्यायाधीश होता है, एक ब्रह्मांड में, और 21 ब्रह्मांड का ये खुद धर्म राय है, ज्योत निरंजन, इसने अपने न्यायाधीश अलग से बना रखे, ये धर्म राय कहलाता है। एक ब्रह्मांड के जल राय के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं चलती, कर्म चलते हैं, जो जैसा न जैसा लिखा वो भोगने पड़ेंगे, उनमें कोई फेर बदल वो नहीं कर सकता। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत को जा, कोई गलती से आ भी जा उसको नहीं छेड़ेगा। बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुम्हारे हंस न पकड़ो नहीं मन 2,00,000 करो। फिर क्या बताता है कि जो शराब पीते हैं, मदाहारी
जारी जो वे विचार करते, बांग तंबाकू नशीली वस्तु खाते, परदारा दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखते, परदारा पर घर तक है दूसरे चोरी करने की नीयत से देखते, जिनको जो हक नाही गरीब धरुंडाए विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ हो जड़ हो तो जंजीर। अब क्या बताते हैं, गरीब कर्म भरम ब्रह्मांडे के मैं पल में करहु नेश, जिन हमरी दो ही दे सो करो हमारे पेश। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा बोले कबीर साहब, गरीब चुंबक हमारा रूप है और ये लोहे रूपी जीव प्राण धर्म राय तेरी बंध से हम ले उड़े अचान, इतनी देर में ले जाऊंगा उड़ा ले जाऊंगा, देखते रह जाओगे। गिरिजा घट नौबत नाम की, तब धर्म राय कहता है, हे भगवान, जिसके पास तेरा नाम है उसने कौन पकड़ लेगा, पर खाली न छोड़ू नहीं, वो तो 84 लाख योनियों में जाने की रीति है, ये तो एक कानून है, उनको नहीं छोड़ूंगा। फिर उदाहरण दिया धर्म राय ने कि ये जो यहां बड़े बड़े पद पा लेते, 14 मुनि दीवान कर जोड़े बंदगी करें भक्ति तेरी करते हैं, पर मर कब गधे बनाऊंगा उनको, क्योंकि उनको वो तत्व ज्ञान नहीं है जो आपके पास है। फिर एक प्रश्न और करता धर्मराय, गरीब कर्मों से तीरत थे अब है जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं काढ़ो बल तकसीर। के पहले जो कर्म कर रखे आपकी शरण माने से पहले, वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उन्हें सीधे करूंगा। गरीब पहले की ये सो बख्श हूं आगे करे न कोई, कबीर कह ध्रुव राय से नाम रटे मम सोई, गरीब कर्म भरम ब्रह्मांडे के पल में करहु नेश, जिन हमरी दो ही देई सो करो हमारे पेश। अब पहले वाले में कैंसिल कर दूंगा, काटा मार दूंगा, आगे कोई करेगा नहीं, इतना ज्ञान दे दूंगा, और फिर भी चरम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेश, फिर भी कोई बन जाता है अनजाने का, क्योंकि देखो बच्चों लास्ट में गुरु रूप में परमात्मा आएंगे, जिसका नाता गुरु से ठीक रहेगा, व्यवहार विचार हृदय से जुड़ा रहेगा, उसी की वहां मदद होगी, उसी के लिए परमात्मा अपने दास के रूप में आएंगे, फिर वहां खड़े होकर ये आपको ग्रेस देंगे कि कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहु नेश, जिन हमरी दोही दिसो करो हमारे पेश। लेकिन उनकी मदद होगी जो आज गुरु के प्रति जैसा भाव है आपका, स्वप्न में भी आपका वैसे रहता है, कोई भी काम है किसी के प्रति है, किसी में गंदा विचार है तो स्वप्न में वही आएगा, शुभ विचार है स्वप्न में भी वही आओगे, इन्हों के तो मृत्यु के बाद फिर स्वप्न चलेगा, जैसा रिहर्सल आपने यहां कर रखा है ये वहां भी होगा, वो ठीक चला तो आपके नंबर पूरे बकवाद भर वेद वापिस। फिर क्या बताते हैं, जो गुरु द्रोही नहीं होते और गलती कर जाते हैं भूल जाते हैं, किसी तो बाबू माँ के नाम भी छोड़ देते हैं, और वो गलती से चले जाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र में सावित्री वर्मा का, शिव पार्वती का, विष्णु लक्ष्मी का, दुर्गा का, गणेश का, इन सब के मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी भक्ति नहीं है, ये साधना है जो इनके लोक से हमें यहाँ राहत मिलती है, और बचा हुआ इनका जो यह साधना है हमारी भविष्य में आगे जाने के लिए वो कन्वर्ट कर दी जाती है। लेकिन जो विचलित हो जाते हैं, मल्ल से जुड़े नहीं रहते, उनको फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक, उनका भावना तो रहती नहीं, उन्हें कोई बना ले उधर चल पड़ेंगे, जैसे भगत हैं बोला मेंबर बना दिया और मेंबर बन गया, खाक भक्ति कर रहा सरपंच ही बिठा दिया वो उठ गया तो जाना कहा है तुम तो ये उठ जाओगे, तो ऐसे वहां जाओगे त्रिकुटी पे, तो ये लालच वहां भी होंगे, तेरी इतनी भक्ति है वहां पर, वहां ये बना दिए जाओगे, वहां बढ़ जाओगे, चलो वहां ले चलते हैं, तो जब वह तैयार हो जाएगा, जब यहाँ सरपंच बनना तैयार है, तो देवता बनना क्या दिक्कत आओगी इसका, इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम तो भगवान ने दुखी कर रहे हो, अपने कर्म फोड़ने तो फोड़ लो,
नाम मना लो फिर, इससे अच्छा तो इस स्कूल ना छोड़ दो, तुम्हारा भी तो रिजल्ट खराब करो। ऐसे लोगो आँख खोल, अब कितना बताया था, 3 लोग का राज जा कोई जीव को कोई दे, लाख बताई क्या कर जा नहीं नाम तक। वो कर्म करने से भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति छूट के नियम बना दिया। फिर चट्टो वेश राज ने कल कुत्ते को कहीं धक्के खाओगे, ये लोग जूते मारेंगे जो आत्म सरपंच सरपंच करते फिर। अपनी भक्ति करो, ये काम करनी है, काल के लोग बहुत हैं वो आप करे जाएंगे। गरीब शिव मंडल घर महापुरी जो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाओ तो ही। के वहां जाके इसको याद आती सारी ज्ञान सुन रखा होता है कि मैं तो गलत आ गया, हो यहां तो मेरी पूंजी खत्म होगी, ये तो मेरा जो कमाई है सारी नष्ट हो जाएगी, यहां तो गलत आ गया। मैं तो गुरु जी बताया करते ज्ञान, हमने सतलोक जाना था, वहां वो तड़फ पड़ती है उसका बड़ा फसा। मैं तो अब कहते वहां से भी छुड़ा के लाऊंगा अपने बच्चे को, लेकिन काम बहुत बढ़ गया। फिर उसको फिर जन्म मिलेगा, जैसे इस दौरान कोई भटक गया 1000 वर्ष तक, तो उसको फिर जन्म मिलेगा मनुष्य का। जन्म मिलेगा तो वो काम फिर भी ये करने पड़ेंगे, टिका रहा था फिर मिलेगा ना, तो बकाने वाले फिर बहुत गणे हो जाएंगे। मन मान के नाइजीरिया में भटक दे ठाक काल में, वह कब पहुंचेगा भगवान, कब तक जाएगा ये ज्ञान। इतने कर्म फूट लेंगे वो मांस खा खा कर कति बर्बाद हो जाएंगे। तो यो काम ऐसे बढ़ रहा है, या तो तुम इस बात ने ठीक से समझ लो, नहीं तो दुर्गति तैयार है आपकी। गरीब शिव मंडल गर महापुरी जो विष्णु लोक में हो, ये हमरे गुण भूल नहीं तो अण छुटाओ तो ही। गरीब कोट 72 उर्वशी 72 करोड़ उर्वशी धर्मराय की धीवे, सुर नर मुनि जन मोहिया विसर जाते हैं पीवे। अब धर्मराय कहता है कि गरीबदास जी बता रहे हैं, गरीब पीव को हंसा बिसरे ही हमरे तुमरे नाही, धर्मराय कह कबीर से जिनको गोविंद खाही। धर्मराय कहता जी तो आप भगवान न भूल गए, आपकी भक्ति नहीं करते, वो तो ना तुम्हारे ना आपके, और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते। और धर्मराय कह कबीर से जिनको भोगी दिखाही उनको बहुत पूरी तरह तंग किया जाएगा। गरीब साहिब पुरुष कबीर हैं यो नी पड़े सुजीवे, लख 84 घर में ही काल जाल घट सीवे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्योति निरंजन काल ने धर्मराय ने, धर्मराय वो भी कहलाता है ये यहाँ का न्यायाधीश भी, इसने 72 करोड़ लड़कियां सुंदर उर्वशी स्वर्ग की औरतों को उर्वशी कहते, कोटि 72 उर्वशी उस धर्मराय की धीव धीव माने बेटी धी बेटी का आग्रह, और सुपनर मुनिधन मोहिया विसर जाते भी। ये इतने गिरे हुए हैं अपनी पत्नी को बेच दें अपने राज को बचाने के लिए, जैसे मार्कंडेय ऋषि के पास इंद्र ने अपनी मुख्य पटरानी बेच दी, और तो देख लिया था और किसी काबू नहीं आएगा, और तो यहां तक गिरे हुए इंसान है। तो जैसे जंगल में ऋषि तप करते थे वहां वो ऋषि बेच देते हैं, वो उनके कर्म खराब अपने करके इनका नष्ट कर देते हैं। तो ये तो उन पर दाव लगेगा जो तो बकवादम लग रहे हैं जिनको ज्ञान है ही नहीं। विष्णु जी के पुजारी है आप, जंगल में बैठ कर वहां ब्रह्मचारी बनकर लोग दिखावा करके भक्ति पाओ, जो थारा भगवान ब्याह करवा रहा थारे की आंट लाग रही थी, अपने बैठ कर भक्ति करो, धंधा करो, करके खाओ, अपने बच्चों ने पालो, सारी बकवाद करवा रखी काल ने अज्ञान भर रखा। ठीक है शादी नहीं करवानी या भक्ति करके देखो, इस ज्ञान से इतना निर्मल आत्मा हो जाएगी, लड़की हो तो लड़का, जैसे परमात्मा क्या ज्ञान सुना था राव ज्ञान ने, कति दृढ़ होगी बेटी, शादी नहीं कराऊ और कति नहीं कराई, पर सुंदर जीवन दिया, कोई असर नहीं हुआ उस काम का वासना का,
तो गलत करडा करने से सारे काम बढ़ा कर बकवादा होता, कितना कितना गिर लो वही गिरते चले जाओ। तो उनको ना तो ज्ञान था ऋषि बैठ के जंगल में जाके, ना कोई चरता शोकर पता नहीं आ, फिर कदे न कदे तो बिजली पड़ेगी। वह तो इस ज्ञान में रहेंगे, इसमें मैल साफ होता रहता डेली, तो फिर आत्मा साफ रहती है। फिर कोई आ जाओ इंद्र दा राज काग दा बिष्टा ना होगा इंद्राणी नु, जैसे धर्मदास जी कहते हैं भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुपने में इच्छा ना करो गुरु आण तुम्हारी हो, आपकी कसम आपकी आण। कि कहने का भाव यह है कि जब कुछ दृढ़ता होगी तो ज्ञान तो आओगी वो, और ज्ञान ये है। बाकी तो कृष्ण की भागवत सुने, लड़कियां बना रही थी कृष्ण ने कपड़े ठा दिए, क्या इस तो पर उपचारी रहेगा इंसान। सब कोरी बकवादा ला रखे थे, वो कथा सुना करते थे। अब ये सुनो मालिक की वाणी, दूजा आत्मा सारी पाप निकट नहीं आवे विचार गंदे नहीं हो। तो ये चित्त शुद्ध करने वाला ये सरोवर सत्संग है, और वो भी बंदी छोड़ का ज्ञान, कबीर साहब का ज्ञान, गरीबदास उसके बिट्टे का ज्ञान, ये दो आत्मा ने कति निर्मल कर देता। गरीब कोट बहतर उर्वशी ही धर्मराय की धीवे, सुंदर मृजन मोहिया विसर जाते हैं पीवे, गरीबे पिंको हंसा विसर ही तुमरे तुमरे नाही, धर्मराय कहे कबीर से जिनको गोविंद खाही, गरीब साहे पुरुष कबीर है योनि पड़े सुजीवे, लगत उरासी भर नहीं काल जात भट सीवे, गरीब साहे पुरुष कबीर को जन्म लिया नहीं कोये, सब स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए, गरीब अनंत कोटि अवतार है ये माया के गोविंदे, करता हो उतरे बोर कड़े जग पंदे, गरीब अनंत कोटि अवतार है ये माया के गोविंदे, ये माया के गोविंद राम कृष्ण जैसे, ये करता हो उतरे बोर पड़े जग पंदे। जैसे भगवान ने कहा था राम बाली मारना पड़ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई धोखे से, पर फिर वाली नो मारा उलझ गई परमा में फंस गई। गरीब त्रिलोकी का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीरे का सतलोक प्रदेश, गरीब पिंड ब्रह्मंड की गम नहीं बुद्धि वाणी से न्यार, चंद सूर पानी पवन ये है शब्द आधार। के जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये कबीर साहब की शक्ति के आधार से अपने हिसाब से चल रहे आकाश पर। अब जैसे हमें मूर्ख बनाया गया था, सूर्य घूमता है पृथ्वी नहीं घूमती, 400 साल पहले एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि धरती घूमती है सूर्य नहीं घूमता। अगर सूर्य घूमे और पृथ्वी के चारों तरफ आवत है, करोड़ों वर्षों का जन्म बने, करोड़ों वर्षों की रात होती, ये ऐसे घूमती है। लेकिन उसको मानना नहीं, उस टाइम उसको फांसी दे दी कि कति झूठ बोल सारी। अब गरीबदास जी 300 साल पहले भी ये बात नहीं थी कि पृथ्वी घूमती है, जो गरीबदास जी वाणी बोल रहे थे वो तो आंखें देख के आए थे ऊपर के ब्रह्मांडों को, फिर बता रहे गजब की बात देखो। गरीब पिंड ब्रह्मंड की गम नहीं बुद्धि वाणी से न्यार, चंद सूर पानी पवन ये है शब्द आधार। आप क्या बताते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं कि शेष नाग के ऊपर कूर्म है, कूर्म के ऊपर बैल खड़ा, बैल के शींग पर पृथ्वी रखी है। अब परमात्मा कहते हैं कूर्म किसके आश्रय, गरीब कूर्म ऊपर शेष है शेष इस पर धूले, धूल धरती ले रहे आया पड़ी ज्ञान की रोले, गरीब पूर्म ऊपर शेष है, पूर्म के ऊपर कछुआ, एक कछुआ बुलाए उसको ऊपर शेष नाग बैठा है, शेष के सिर पर एक बैल खड़ा है, बैल के शींग पर धरती धरी है या पृथ्वी ऐसे डट रही है। परमात्मा कहते हैं पूर्व ऊपर शेष है शेष इस पर धोले,
दौल धरती ले रहे हा या पड़ी ज्ञान की रोले, ये तो रोल बदौल कर रखी तुमने। बताओ गरीब कोरम किसके आसरे है, कौन शरण है शेष, भटक बीज विस्तारे है कोई समझे ज्ञान नरेश। बताओ वो कोरम फिर किस पे है, फिर शेष किसके आसरे रह गया। ये तो भटक बीज विस्तार है, जैसे भटक का बीज, वट वृक्ष का बीज छोटा सा होता राई के समान, उसको बीज दिया इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसे आगे रास्ता मिले जाओ, वो 10 किलोमीटर से कितना आगे तक बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ जा फैल जा। कहते ऐसे चला है, बीज से बना है। परमात्मा ने पहले सारा वचन से एज इट इज पैदा कर दी। कबीर साहब कहते हैं कि गरीब कूरम किसके आश्रय और कौन शरण है शेष, ये तो भटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। ज्ञान में नरेश, ज्ञान में माहिर, संतों का सरताज नरेश होता है राजा, जो ज्ञान का राजा तत्वदर्शी संत समझेगा इस बात को। गरीब पूर्व किसके आश्रय है, कौन शरण है शेष, भटक बीज विस्तारे है कोई समझे ज्ञान नरेश। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने आंखों देखा, हम देखा सो साच है, और सकल प्रपंच, ये सब ही लोक पतंग 300 साल पहले कोई ये कहने लगा था धरती घूमे, धरती की तो आकाश में लटक रही है। संत गरीबदास ने अपनी वाणी बोला है कि ये सारे ग्रह और ऊपर लोग स्वर्ग लोग एक ऊपर के 4 लोकों को छोड़ के सारे ऐसे लटक रहे हैं जैसे पतंग लटक क्या करे और डोरी से बंधे हुए। तो परमात्मा कबीर जी की शक्ति से ये आपस में एक दूसरे के साथ उस डोरी से बंधे हुए, सूक्ष्म डोरी से, शक्ति से, जिसको ये गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो मैंने जो देखा सब ये लोग आकाश में लटके हुए हैं, 300 साल पहले दाता के बेटे गरीबदास ने कहा था। गरीब पूर्व किसके आश्रय है, कौन करण है शेष, भटक बीज विस्तारे है कोई समझे ज्ञान नरेश। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहारे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड है रोम रोम की लारे, परानंदनी वाकी शक्ति है जाके सृष्टि आधारे। गरीब उदा दशरथ ना होते नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया लंका का शकदारे। गरीब एक कबीर पुरुष अनादि है और सकल है बाद, रचनहार जगत गुरु हो लीला अगम अगाध। गरीब वाल्मीकि की देह धरे आए सतगुरु आप, पांडव यज्ञ अश्वमेध में मिटे तीनों ताप। गरीब अगम संदेशा आदि है होते चंद में सूरे, शिव बृहस्पतिया भये बारू जेते अंधे। कहते राम कृष्ण और ये शिव बृहस्पति ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तक दुनिया भर के भर लिए होकर। गरीब आदि अंत अमर नहीं, मध्य मिलावा मूल, ब्रह्मा को ज्ञान सुनाइया दर्पिंडा अस्थूले। ब्रह्मा जी को हम मिले, गरीब ओ हम सो हम ना होते, ब्रह्म शब्द सह नाने, वाणी विमल आकाश में जब ब्रह्मा को दीन्या ज्ञाने। गरीब ओम मंत्र आदि है सो हम सुरती तारे, कोली कला पसारिया धर ब्रह्मा अवतारे। गरीब शब्द सिंधु में सहल कर आए ब्रह्मा पास, ओम नाम सुनाइया चेला की न्यादासे। उसको हमने अपना चेला बनाया, ब्रह्मा को ओम नाम दिया। गरीब एक शब्द में सबर चे ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मच्छ कूरम गति सहस पुनि दुनि शेष। गरीब अद्धा के अधिकार से है पहले ज्ञान हमारे, सतपुरुष के पास थे अदली चौरा ढार।
मंत्र उचरे सोहम सुरती प्यान, भवन चतुर्दश लोके सब टूटे सकल बंधान। इस दो मंत्र के जाप से कि 21 ब्रह्मांड तक का फैसला हो जाएगा, उससे आगे फिर सारनाम चलेगा। गरीब क्षीर समुन्द्र हम गए से सुनाया नाम, रम राम गाद धुन से सहस बलि जाम। गरीब हम दाता दानी सूरु ब्रह्मा को दीन्या नाम दान, शब्द स्वरूपी ऊ तेरे सत शब्द निर्वाण। गरीब हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र शिव को दिया सो करे हमारी सेवे। कि हमने शिव जी को अपना चेला बनाया, उसको सोहम नाम दिया, वो हमारी सेवा करता है। संत रूप में मानते, भगवान नहीं मानते। गिर सेत भूमि का हम गए हे जा विष्णु विश्वंभर नाथ, हरियम हीरा नाम दे हस्त कमल दर्शवाते। किस विष्णु के लोक में गए, उनको ज्ञान सुनाया, उसको चेला बनाया, उसको हरियम उनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया ये। और ये इतना प्रभावशाली है ये मंत्र, जैसे एक बात उठपटांग सी है पर उदाहरण गलत का है। जैसे हम भैंस को गर्भधारण कराने जाते थे तो झूठे को झूठा झूठा कहीं जाओ पति नहीं देखे, उसका असली नाम तो झूठा है भैंसा। और जब उसका एक हमारे यहाँ एक विशेष नाम है, जो भैंस नहीं कराते हैं तो उसको बोलते हैं नो, आज उसके कान तक से हल्की सी पड़ जाए, नो खड़े होते कान उसके और नो देखता चारों तरफ। जब वो भैंस दिख जाती तो भाग का आता, हम अपनी भैंस के उदाहरण करा कर ले आते। तो ये मंत्र इनको इतना तड़पा देता है, इनकी भक्ति ने अपना काम का नाम नहीं देते, यूं सोच लो बस। अब इसको याद रखियो, बार बार मैं बताऊंगा। मेरी अद्दा हमारी बहन है ब्रह्मा विष्णु शिव माए, 70 70 युग तप किया धर्मराय लागे पाए। क्यों कहते हो धर्मराज काल, धर्मराय 70 70 युग तप किया हमारे पैर पकड़े, पर यह अद्दा हमारी बहन है और ब्रह्मा विष्णु शिव माए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अपनी बहन है ये, ब्रह्मा विष्णु में इसकी माँ है और ये धर्मराय आपका भाई है, पर ये फुकवादी है, इसने हमारा भी नाश करा, अपना भी कर लिया। गरीब पुरुष लोक से गिर पड़े अद्दा और धर्मराय, काल और या दुर्गा भगवान के दरबार से नीचे गिर गए। सतगुरु साक्षी होते को नाम मेरा यमराय, अब इसका काल नाम रख दिया। गरीब ब्रह्म 21 अक्षेत्र का दीन्या तो पूराज, लग 84 जात को बख्शण करो बिराज। गरीब खोखा पुर में जीवे हैं बिना नाम प्रतीत, जिनको तुम बख्शण करो लग 84 रीत। गरीब खोखा पुर में काग है कोई कोई हंस हमारे, जिनको तुम छेड़ियो ना वे हैं शब्द आधारे। खोखापुर में कागने है हमारा कोई कोई है, वो नाम ले रखा उनको मस्तक छेड़ दियो। गरीब धर्मराय रो शिष्य धुन खंड होए ममराज, 67 दीप में जो शिखरा चिड़िया बाजे। तो क्या कहते हैं धर्मराज जी, काल रोवे शर कुट है, किस तरह निकलेंगे आपके भगत, मेरा तो राज खत्म हो जाएगा। गरीब खोखा पुरमा काग है कोई कोई हम सवारे, जिनको तुमने चमकी हो वे है शब्द आधारे। गरीब धमराय रो शिष तुम खंड हो ममराजे, 87 द्वीप में जो शिखरा चिड़िया बाजे। के तेरे अंश ने आपका नाम जो ले लिया वो मेरे काबू से बाहर हो जाता है, बाकियों का तो मैं ऐसे हूं जैसे चिड़िया के ऊपर बाज, मैं बाज हूं, बाकी पक्षी हैं यहाँ के, ये तो मेरे लिए ऐसे है ना तो भी खा जाऊ, पर आपका मांस मेरे से बाहर हो जाता है, उसके निकट में जा नहीं सकता। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि पाप आत्मा तने जुलम किया,
देवी के साथ बदतमीजी की, इवखा गोबर कृपतों सटियों तुम तप किया है, तेज पुंज की दे अद्या का भक्षण किया, इवता ते खाओ खे इवखा गोबर किरबान हद भोरा बन के ही द्वादश उल्टे प्राण, जिनको तुम दंड ना दीजिए मान हमारी आने। गरीब कबीर पुरुष के धर्मराय और अद्या सुनियो मम बैन, इक्कीस ब्रह्मांड क्षेत्र में तुम राज करो ऐन। गिरी भगद्वार है भोगे सब सुर नर मुनि जन संत, एक जीव छोड़ू नहीं अद्या कहे मोहे प्यारे कंत। अब बच्चों देखो ये जो दास बता रहा है गोड की ज्ञान है, उसके बेटे गरीबदास जी का दिया हुआ, इतना गलत ना समझे, क्योंकि आपको इसको समझ नहीं होगा, तैयार कर लिया पहले हमने खूब। अब यहाँ जैसे भगवान कबीर साहब परमात्मा सतपुरुष शरीर छोड़कर जाते, एक मदर थे रास्ते में खड़ी होगी, आके एक सुंदर औरत करके बोली मैं आप तो शादी कराऊंगी, आप जैसा पुरुष मन देखा को नहीं तो आप उसी करे। भगवान बोला जाती रहे जानो मत तेरे जैसे कर्म कर्म फोड़ लाग रही तो तेरे का अपमान कर लिया कबीर। तो इसने कसम खा रखी है कि एक ने भी नहीं जाने दो वापस भगवान के घर पे, सारे रोक कर रखे, सारे बकवादा बुला रही है, ये औरतान भेज देती है स्वरूप से उनके कर्म धर्म खराब करने खातिर। लेकिन इस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने के बाद इनकी कोई दाल नहीं चलती। अब क्या कहती है यार कि एक जीव नहीं छोड़ो, अद्या कहे मोहे प्यारे कंत, मैं अपने पति की पति हो गया उसका, इसके लिए एक ने बार नहीं जान दी भूखा हो जाएगा। गिरी भगत द्वारे आवे ही सबको व्याप काम, तीन लोग भक्षण करो अद्या हमारा नाम। अब सतपुरुष कबीर जी बोले गरीबदास जी प्रत्येक दृष्टा है जो वार्ता वही वो लिख रहे हैं। गरीब सतपुरुष कबीर धनी ही बोले वचन विशाले, वो सागर में गए हैं हंस हमारे लाल, गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढता करू अपने हीरे मोती लाल। यहाँ भी ये कहते हैं कबीर साहब बोले उस पर गिरिव सतपुरुष कबीर धनी बोले वचन विशाल, वो सागर में गए हैं हंस हमारे लाल, गिरिव सौदागर सौदागरी ही बंदी कारण जाहू, तीन लोक की मांड में बैठे निस्बत माहू। गिरिव भगि द्वारे आवे ही भक्ति भूलत नाही, जैसे सीप समुन्द्र में है मोती निजय माही। अब ऊपर धर्मराय कहती है मैं इन सब ने किसी ने बाहर नहीं जाने दूंगी, सबके साथ इनके धर्म क्रम खराब करवाती रहूंगी, लड़कियां बेच कर। कबीर साहब कहते हैं मेरे बच्चे ब्याह भी कराऊंगे, बेटा बेटी सारे काम करेंगे, पर भक्ति भूलेंगे नहीं। जैसे समुन्द्र खारा होता है, उस खारे जल से उसमें कोई काम नहीं, सीप ने ऊपर की एक बूंद मिल गई जिसने मोती बनना है, समुन्द्र में रहेगी वह पर मोती बना लेगी। तो मेरे बच्चे ऐसे ही तेरे गंदे लोग मरेंगे, उन्होंने नाम डाल दिया और भक्ति भूलेंगे नहीं, और ऐसे जन्म भी लेंगे और वो सतलोक में ले जाऊंगा उनको। भग ही द्वारे आओ ही मैंने जन्म लेंगे, भक्ति भूलत ना ही, जैसे सीप समुन्द्र में मोती नपजय माही। खारा समुन्द्र खारा नीर माहे मोती ऊप जाए, गरीब खारा समुन्द्र नीरे है खारी झाल समंदे, माहे मिठी स्वाती है वास किया निर्गुंदे। गरीब एक रतन से ऊपजे अध्या और तुम राये, को भगनी को हारी या क्या नारी क्या माए, गरीब सब रत्नों की खान है पूर्ण ब्रह्म कबीरे, सब लाल सर लाल है अविगत गैर गंभीर। गरीब अपने जन के कारण अवतरे पुरुष कबीर, मूल मंत्र समझाए करे बंधे जन की धीरे, गरीब कागभूषण और मारकंडे को मिले कबीर आन, प्रथम ज्ञान सुन कर आगन बुझा ज्ञान।
बच्चों वेद बताते हैं परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति के में भटक रहे हैं, मार्ग को सही दिशा देते हैं। तो यहां बताते हैं कि एक कालो जीमर था, ये पता भी काग भूषण मारकंड्या जी को मिले, उनको प्रथम नाम दे दिया, फिर आगे घनी बात ना करी उन्हें, तो आगे उनको बढ़ाने को छोड़ दिए, ईट का सॉफ्टवेयर डाल दिया, बीज बो दिया अपने, मारकंडे स्वर्ग में महास्वर्ग में रह लेगा, राजा महाराजा बनेगा, फिर कभी ब्रह्म में टिकरवा के नंगड़ बनेगा, यानी हैंड टू माउथ होगा, जैसे हमारे जैसे होगा बाबा नानक होया, और फिर वो जब ठिकाना होगा बुद्धि। तो आप इस प्रोसेस से निकल चुके हो बच्चों, मान जाओ इस नागा ना बढ़ाई हुई वे, देखो कहाँ से कैसे शुरू करते हैं, नहीं छोड़ते किससे। एक जिमर था, जिमर माने ये मछली पकड़ने वाला, एक राजा ने मछली पकड़ना अपने राज्य में निषेध कर रखा था, कोई जीव इंसान नहीं करे, पर उसका गुजारा यही था। उसने बखत से सोचा, बखत के राजा वह जाके जाल डाल दिया और मछली काट के बाहर घेर ली, इतने में देखा उसने तो राजा आ गया, एक मोड़ मुड़ा था ऐसे, वहां से ज्यादा 200 फुट की दूरी पे एक दूसरे सामने आ गया, राजा का काफिला तुरे की, और उसके बाल से बड़े हुए, जंगली लोग ऐसे रहते थे उस समय, एक लंगोटा बांध रखा, बस एक लंगोट शरीर पर पानी बड़े था, उन्होंने सोचा राजा आ गया तेरे फांसी देगा, डर गया। सर्दी थी, पहले उसने आग बाल रखी थी अपने हाथ सेकने के लिए, शरीर गर्म करने के लिए, उसने सारी जाल भी और मछली भी सारी पानी में फेंक दी, और उधर राख थी वह सारे शरीर पर लाके और बाबा बन के बैठ गया वो अकड़ के। कभी राजा ने सोची देख किसे भाग जागे, सुबह सुबह संत के दर्शन हो गए, वो थोड़ी थोड़ी आँख खुल अरबत करे, जालिया आवे है कित के करे। अब उस राजा उतर के कापला रुकया, भाई संत के दर्शन कर लू माथा टेकू, उसने सोची आज मर गया, यू तो आ गया भाई, डर गया कति, पर कति लो लाली भगवान मां आखे नहीं खोलो देखी जाएगी, भगवान याद करा उसने छा पिछले पुन का पुन कर्मी को संस्कारी मालिक का, लेकिन काल ने तो कति कर्म फुरवान खातर ला रखा था, और काल उन्हीं को ज्यादा फंसावे है बीमारी में, जो पिछली अच्छी आत्मा होती है, कोई शराबी बना दिया, कोई बकवादी बना दिया, इस तरह कोई सदना था कसाई बना दिया, तो वहां से भी लाइन छुड़ा का अपने बच्चे। तो राजा ने मत्था टेका, अब ऐसा दूर बैठा है ना बोलना नहीं चाहिए, मत्था टेक कर 5 असर थी सोने की मोहर, उस समय तो बहुत कीमती होती थी, आज के तो 5 लाख मंदिर के, और गरीब आदमी ना आज 5 लाख मिल जान कति कमाल हो जाए। राजा से ले गया, काफी देर बैठा रहा, बैठा तो सुखी समाधि लागी डरतेगी, जाए खोल ली तो मर गया, काफी समय हुआ, उसकी पत्नी आई, मैं सोची राजा ने पकड़ लिया कि ना देखता हूं, यहाँ राजा की बहुत सख्त पैरा ला रखा है, कदे पकड़ लिया और मछली पकड़ना निषेध है। तो आ गई, उसने देखा है ताक नीचे बैठा है, उन्हें पकड़ के लाया खड़ा बोले, ए महाराज मैं, ए महाराज आज पाछे कुछ नहीं करूं, आज पाछे नहीं पकड़ू, कान पकड़ू मछली नहीं पकड़ू। वो बोली के क्या कह रहा है तू, कौन महाराजा? वो देखी उसकी पत्नी, उसने देखा वो कहाँ गई, राजा कहाँ गया, राजा था। वो बोली चाल करना मरेगा तू, हर दो फारी बैठा हर को पकड़ ले गया तेरा चाल अपने। ओहो, बोला उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं तो एक नकली सा भगत बना था, और मेरे नकलीपन से इतना डर गया, जय मसली भगत बन जाता है, यम के दूत भी निकटनी है, काल भी डर जाए। तो उससे दिन बोला भगवान आज के बाद, मैं तो आज मेरा अंतिम दिन था, मैं नहीं पकड़ूंगा आज मछली। वह बोली बालक तन्ने खाएंगे ना पकड़ूंगा मछली, और क्या करेगा। बोला ले, उन्हें देखा उन्हें 5 असर फिर दे रही के ले, तेरे सारे जीवन का टुकड़ा दे दिया भगवान ने, हरी तू जा चल लेकर आ गया घर में।
वह भेजा मछली पकड़ लो, बैठ जा जंगल में जाके अपना राम राम कर, चांद तक में था ही नहीं, बंदी छोड़ पहुंचे वहां पर कबीर साहब। भाई का ये कैसे भटक रहे हैं बच्चों आपके लिए, अरे काल थारी नो दुर्गति करेगा, जेब का चूक गए नाइजीरिया में अफ्रीका बुढ़ा ठोकेगा तुमने था उड़खाइयो कच्चे मांस फिर मुश्किल से ऐसे पवित्र देश में जन्म आपका, अब यहाँ आज तक इस मांस से परहेज है लोगों से, और कितना सुंदर ज्ञान यही बरस रहा है सदा से। तो वह मिले भगवान जाके, बेटा क्या कर रहा है? अगली राम राम करूंगा, भक्ति करूंगा, मैं तो देख लिया बालक ने मेरी जीवन दान कर रखा। तो उन्हें बताया भाई भक्ति तो करेगा लेकिन नाम ले, नाम से बात बनेगी, भक्ति गुरु बना। बोला जीवन तो पता नहीं गुरु कैसे बनाया करे, कि मैं तेरा गुरु बनूंगा और यो नाम जप दूंगा। उसने नाम ले लिया, गुरु बना लिया, माथा टेका, उसके बाद वो कारो जीमर संत बन गया। नारद मुनि ने एक बार उसका श्राप दे दिया था, तो किसी ने बताया कि वो सबसे पहले तुझे आए उसको गुरु बना ले, जब तेरा पाप कटेगा नहीं 84 लाख में जाएगा। वो सुबह सुबह जा था, ये कालू झिमर निकला था, जब भी इसने झिमरा कहा करते, यानी कालू मछियारा ही कहते थे इसको लोग। तो उसने सोचा अब यो गुरु बना लिया, बनाना पड़ा, मजबूरी थी, गुरु बना लिया था जी। उसने बताया मेरे को ऐसे ऐसे कहा गया है, जो सबसे पहले सुबह दर्शन हो तेरे उसको गुरु बनाना, वो तेरी 84 लाख मिटा देगा। ने बोला ठीक है, यो नाम जब परमात्मा उसको नाम देने का अधिकार दे दिया, पल्ला मंत्र बस, के कोई पूछे तो यो मंत्र तो दे दिया, अधिकारी है तो बिल्कुल सच्चे दिल पर लाग चुका है। तो नारद जी ने जब यो झिमर गुरु बना था, कहते नारद ने झिमर गुरु की ना कहा ज्ञान वह हो गया है ना, तो उसके जब ज्ञान में थी, ये वो झिमर था, मछियारा नहीं था केवल। तो बच्चों ये तत्व ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है, और आप अपनी किस्मत सराहो, आप इस प्रोसेस से निकल निकलते। अभी कालू जी मर भी, नारद जी भी तो वहीं पर है, उनका फिर मनुष्य जन्म होगा, फिर पकड़ेंगे, फिर लाओगे, फिर लाओगे। अब आप तो कति एंड बाल गेट पा रही है, कति गोल के सामने खड़े हो, आपके सतलोक है, आपका अपना ठिकाना सतलोक है, ये गारंटी देता हूं। पर इसके लिए मर्यादा, ये नियम बहुत गजब के हैं, इनको पालन करना, दान धर्म करो, भूल जा लोग के सब सुखों को, चलो सत्य लोग सच्चाई।